जय श्री राम। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार अपने YouTube चैनल से कितना कमाते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि बागेश्वर धाम के गुरु श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से चर्चित में चल रहे हैं और इनकी वीडियोज़ को लाखों लोग करोड़ों लोग देख रहे हैं। तो इनकी इनकम कितनी है, यह सवाल बहुत सारे लोगों के मन में चलता होगा कि गुरु जी आखिर कितना कमाते हैं अपने यूट्यूब चैनल से। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रूफ दिखाऊंगा कि बागेश्वर धाम सरकार कितना कमाते हैं अपने यूट्यूब चैनल से। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम के अगर हम यूट्यूब पे अगर हम चले जाए तो मैं आपको बता दूं, बागेश्वर धाम सरकार का जिका आप जैसे कि ये देख रहे होंगे, ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जो कि एक जानी मानी वेबसाइट है। उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी यूट्यूब चैनल की अर्निंग कितनी होती है। अगर हम इनके मंथली अगर हम व्यू की बात करें तो इनके चैनल पर कुल 48 मिलियन जो कि टोटल 30 डेज में जो कि व्यू आया है। आप लोगों को पता ही होगा कि YouTube लगभग 2000 से 2500 व्यू पे जो कि $1 देता है। आप देख सकते हैं इनकी जो मंथली जो कि ईयरली जो डॉलर है ये 12000 से लेकर $1,93,000 तक जो कि इनकी मंथली डॉलर बनता है। अगर हम एवरेज कम से कम अगर ली जाएगा, हम 12000 डॉलर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 80 रुपीज़ से तो 9,60,000 रुपये होता है। करीब 10 लाख के लगभग इनकी जो कि मंथली इनकम एवरेज कम से कम में है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा में बात करें तो कम ये वन आप देख सकते हैं यहाँ पे 193.3K जो कि डॉलर तक जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ही चले जाएगा, 1 CR+ में ही चला जाएगा। तो आप लोग सोच सकते हैं बागेश्वर धाम कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल से। मैं आपको बता दूँ, फिलहाल बागेश्वर धाम सरकार जी इन पैसों का यूज गरीब कन्याओं के विवाह में और अन्नपूर्णा भंडारे में और समाज के कल्याण के लिए जो कि यूज करते हैं। आप सभी को पता होगा बागेश्वर धाम सरकार पर जो भी खाने पीने की सुविधा है और वहाँ पर कन्याओं का विवाह से लेकर सब कुछ निःशुल्क किया जाता है। तो इन पैसे का बागेश्वर धाम सरकार समाज कल्याण हेतु यूज करते हैं। अगर आप भी अगर YouTube से कमाना चाहते हैं तो आप YouTube चैनल अपना बना सकते हैं। फिलहाल बागेश्वर धाम की मैं अर्निंग को लेकर आपको प्रूफ दिखाने वाला था क्योंकि बहुत सारे पर्सन इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल रंजीत के ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।